बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। ई रिक्शा चालकों से अवैध वसूली पर डीएसपी ने की कार्रवाई। तेघरा, भारतीय उपभोक्ता संरक्षण समिति द्वारा ई रिक्शा चालकों से अवैध वसूली की शिकायत पर तेघरा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉक्टर रविंद्र मोहन प्रसाद ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बरौनी जंक्शन के दक्षिण दिशा फल मंडी और वाटिका मोड़ से 3 लोगों को पकड़कर थाना लाया, जहाँ ठेकेदार से बॉन्ड भरवा कर छोड़ दिया गया। ठेकेदार ने बरौनी दक्षिण दिशा में केवल मोटरसाइकिल स्टैंड के ठेके की बात कबूल किया, वही बरौनी जंक्शन के दक्षिण दिशा में केवल बैरियर की जांच करने की बात स्वीकार किया। डीएसपी ने बरौनी सिंगिया चौक बाटिका मोड़ और पुराने बस स्टैंड में लिंक पद को छोड़कर बैरियर जांच को कहा। जब संघ के सचिव संजय सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष बबलू ठाकुर, कोषाध्यक्ष चंद्रशेखर कुमार ने फुलवरिया थाना आवेदन देने पहुंचा, तब फुलवरिया थाना अध्यक्ष इन लोगों को 1 घंटा बैठाकर डांटते रहे। उन्होंने कहा कि बेगूसराय में हत्या ज्यादा होता है, तुम लोग कमाने खाने वाले हो, ठेकेदार को परेशान करोगे तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा। स्टैंड है नहीं जहां गाड़ी खड़ा करोगे, वहीं 5,000 का चालान काट देंगे, लाठी चार्ज करेंगे, ठेकेदार से मिलकर हो, जिसका विरोध रिक्शा चालक संघ ने किया। इसकी शिकायत एसपी बेगूसराय, डीएसपी तेघरा, डीआईजी बेगूसराय, डीजीपी बिहार से किया है। ई रिक्शा चालक संघ के संरक्षक डॉक्टर संजीव भारती ने चाक संघ की आपातकालीन बैठक किया, जिसमें उन्होंने कहा कि थानाध्यक्ष फुलवरिया ने साइड किया कि उनके संरक्षण में रंगदारी वसूली होती है, इनके कारण रिक्शा चालक, गर्भवती महिला, दिव्यांग, बीमार, सीनियर सिटीजन एवं ज़्यादा सामान लेकर चलने वाले लोगों को बीच रास्ते में छोड़ने पर मजबूर होते हैं। डॉक्टर भारती ने रिक्शा चालकों से अपील किया कि घबराने की जरूरत नहीं है, अगर किसी को थाना गलत मुकदमा में फंसाती हैं या परेशान करती हैं तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी मेला तक हर परेशानी को झेल कर आम आदमी को सुविधा में कमी नहीं करें। डॉक्टर भारती ने नगर परिषद बरौनी के चेयरमैन, उप चेयरमैन, कार्यपालक पदाधिकारी तेघरा, एसडीओ से भी अपील किया है कि इस समस्या के समाधान में सहयोग करें। पेश मुद्दा पर सभी जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, बुद्धिजीवियों, राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई जाएगी। प्रशासन से समस्या हल नहीं होता है तो जन कार्रवाई की जाएगी। तेघरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट।